मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस। तो जैसे ही अभी रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 20 अक्टूबर के नियर बाय जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद एमसीसी की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि 7 और 8 डेज के अंदर अंदर काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा और उसके बाद में 1 नवम्बर के नियर बाय ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे एमसीसी के। तो इसमें हम पूरा प्रोसेस समझेंगे कि कैसे आपने एमसीसी का फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, कैसे स्किप करना है, स्टेट का राउंड कैसे आपने देखना है, तो इस बारे में पूरी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने बुक लिख दी है। ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट की, आयुष की, वेटनरी की, इनकी सेपरेट बुक्स हैं। आप इनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या काउंसलिंग प्रोसेस है। इसमें मैंने सीट मैट्रिक्स, फी स्ट्रक्चर और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी मैंने बता दी है, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कहां कहां पर सीट मिल सकती है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मैंने चॉइस लिस्ट भी दे दी है, टॉप से लोएस्ट के क्रम में कॉलेज कौन कौन से हैं, आपके स्टेट में टॉप कॉलेज कौन से हैं, ऑल इंडिया में टॉप कॉलेज कौन से हैं, आपने 21 की काउंसलिंग के समय चॉइस फिल करते समय कौन कौन सी कॉलेज पहले फिल करें, कौन सी कॉलेज अच्छी है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स मैंने इस बुक में दे दी है। तो आप इसको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड करेंगे हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, आप हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो वीडियो अभी शुरू करते हैं। तो हम मान रहे हैं कि 20 अक्टूबर के नियर बाय रिजल्ट आ जाएगा नीट का। तो नीट का रिजल्ट आने के विद इन 7-8 डेज के अंदर अंदर एमसीसी का शेड्यूल जारी हो जाएगा काउंसलिंग के लिए। और एमसीसी का जब शेड्यूल जारी हो जाएगा उसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे तकरीबन 1 नवंबर के नियर बाई ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इस बार थोड़ा 5-10 दिन लेट हो गया है, नहीं तो ये अभी तक 18 अक्टूबर तक स्टार्ट हो जाने की संभावना थी, लेकिन रिजल्ट लेट होने से हम मान रहे हैं कि 1 नवंबर 2021 तक एमसीसी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, AFMC, डिम्ड, आप इनमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, ESIC कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। एमसीसी की वेबसाइट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 4-5 दिन का टाइम दिया जाता है, तो ये रजिस्ट्रेशन आपको करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपने फिर उसके बाद च्वाइस फिल करनी है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ 1-2 दिन में च्वाइस फिलिंग का ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है, तो आपको च्वाइस फिलिंग करनी है यहां पर फर्स्ट राउंड के लिए। मैं आपको बता दूं, एमसीसी के जो 3 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, मॉपअप राउंड होता है। इसमें फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा के लिए होता है, मॉपअप राउंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ESIC डीम्ड के लिए होता है। तो इनमें आप तीनों राउंड्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये कोई बाध्यता इसमें नहीं है कि आप फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों राउंड में आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करते समय आपको 2 टाइप की फीस डिपॉजिट करनी होगी। सबसे पहले सिक्योरिटी फीस और सॉरी रजिस्ट्रेशन फीस और उसके बाद में सिक्योरिटी फीस। तो ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रहती है, सिक्योरिटी फीस 5000 रहती है, सॉरी 10000 रहती है, और ओबीसी कैंडिडेट, AEWS कैंडिडेट, जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस होती है और 5000 रुपीज सिक्योरिटी फीस रहती है। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही डिपॉजिट करना है, ये डिपॉजिट करने के बाद ही आप च्वाइस फिल कर पाएंगे। तो ये डिपॉजिट करने के बाद में आपने च्वाइस फिल करनी है फर्स्ट राउंड के लिए। तो जब फर्स्ट राउंड के लिए आप च्वाइस फिल करेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपने ऐसी कॉलेज ही च्वाइस फिल करें जो आपके नजदीक के कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज हैं जिनको आप लेना चाहते हैं। तो उसमें अगर आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिल गई आप लेना चाहते हैं तो उस पर ज्वाइन कर ले और सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड का ऑप्शन दे दें, एक तो ये रहता है।
दूसरा अगर ये फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट राउंड है, इसमें अगर आप सीट नहीं लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है उस पर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सिक्योरिटी मनी भी फॉरफिट नहीं होगी और आप नेक्स्ट राउंड के लिए इलिजिबल भी रहोगे, नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए, स्टेट काउंसलिंग हो या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, सभी के लिए आप इलिजिबल रहेंगे। तो यहां पर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट, एमसीसी के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके 7 या 8 दिन बाद में ये फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आपको सीट मिल गई, आप उस पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, अपग्रेड का सेकंड राउंड के लिए ऑप्शन दे दीजिए, अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एमसीसी के फर्स्ट राउंड के बाद स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, हर एक अलग अलग स्टेट के रजिस्ट्रेशन की डेट अलग अलग होती है, हर एक स्टेट अपना इंफॉर्मेशन ब्राउचर अलग अलग डेट को जारी करता है, तो यहां स्टेट कोटा के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेट कोटा के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको ये देखना है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग कंडीशनें होती हैं, किसी किसी स्टेट में फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट राउंड होता है, किसी किसी स्टेट में फ्री एग्जिट नहीं होता है, तो आप रजिस्ट्रेशन करते समय ये ध्यान रख लें कि आपके स्टेट की कंडीशन क्या है। अब इसमें किसी किसी स्टेट में जैसे एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, ये मैंने अपने बुक में पूरा समझा रखा है कौन से स्टेट में कब रजिस्ट्रेशन होता है, कौन से ओपन स्टेट हैं, कौन से क्लोज स्टेट हैं, कौन से ओपन स्टेट में आप एडमिशन ले सकते हैं उसमें, तो ये पूरा का पूरा मैंने उसमें समझा रखा है, तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। अब हम मैं आपको बताऊं कि स्टेट कोटा के लिए कुछ ऐसे स्टेट हैं जो फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सेकंड राउंड मोपअप राउंड में उनके पास में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, तो आपने उन स्टेट्स का ध्यान रखना है, फर्स्ट राउंड में ही आपने रजिस्ट्रेशन करना है। मान लो आपने फर्स्ट राउंड एमसीसी के फर्स्ट राउंड में अगर सीट ज्वाइन नहीं की है तो आप स्टेट के फर्स्ट राउंड में अपना प्रेफरेंस फिल कर दे, अगर आपको इसमें कोई अच्छी सीट मिल जाती है तो आप इसको ज्वाइन कर लें। अगर इसमें भी आप ज्वाइन नहीं करते हैं, किसी किसी स्टेट में फ्री एग्जिट होता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद में एमसीसी का सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। एमसीसी का सेकंड राउंड स्टार्ट होगा तो एमसीसी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में सेकंड राउंड के लिए वो जो कंडीशन फर्स्ट राउंड में थी रजिस्ट्रेशन के लिए वो सेकंड राउंड में भी होंगी, फीस डिपॉजिट करनी होगी, उसके बाद में आपको च्वाइस फिल करनी होगी। ये च्वाइस फिल सभी कैंडिडेट को करनी है, जिसने फर्स्ट राउंड में सीट ले ली है और अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिया है उनको तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट ज्वाइन कर ली है या ज्वाइन नहीं की है और जिन्हें ज्वाइन कर ली अपग्रेड का ऑप्शन दिया है, तो इसमें सेकंड राउंड में सभी कैंडिडेट को इसमें च्वाइस फिल दोबारा से करनी है, उन कैंडिडेट को नहीं करनी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट लेके वो अपनी सीट पर संतुष्ट हैं और वो उसी पर एमबीबीएस करना चाहते हैं तो उनको देने की जरूरत नहीं है यहां पर। अब इसके अंदर सेकेंड राउंड में आप च्वाइस फिल करने के बाद में इसका सेकेंड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, इसमें रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा फिर आपको यहां ध्यान रखना है, सेकंड राउंड की जो च्वाइस फिल करेंगे उस समय भी आपने ध्यान रखना है, ऐसी च्वाइसें फिल करें जो इस राउंड में आपको सीट लेनी है, आपको छोड़नी नहीं है, वही च्वाइस फिल करें कि अगर ये सीट हमें मिल गई तो हम इस पर एमबीबीएस कर लेंगे, तो वो ही सीट आपने लेनी है, क्योंकि इसमें अगर आप सीट छोड़ते हैं, जैसे कोई आपको सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद सीट छोड़ते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी, हालांकि आप आगे के लिए काउंसलिंग के लिए इलिजिबल तो रहेंगे लेकिन जो आपकी सिक्योरिटी मनी आपने डिपॉजिट की है वो फॉरफिट हो जाएगी। दूसरी कंडीशन यह है कि अगर आपने इसमें कोई सीट भर दी, आपको सीट अलॉट हो गई, उसके बाद उस सीट पर आपने ज्वाइन कर लिया एमसीसी के सेकंड राउंड में सीट पर ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद आप सीट नहीं छोड़ सकते, उसके बाद उस सीट को अगर आप रिजाइन करते हैं ज्वाइन करने के बाद तो किसी भी काउंसलिंग के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आगे इलिजिबल नहीं रहेंगे और आपकी सिक्योरिटी मनी तो फॉरफिट हो ही जाएगी। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है एमसीसी के सेकेंड राउंड तक। अब एमसीसी के सेकेंड राउंड में जो भी सीटें वैकेंट रहेंगी ये स्टेट कोटा के लिए, स्टेट के सेकेंड राउंड के लिए, यानी कि उस समय सेकेंड राउंड ही होगा स्टेट, वहां ट्रांसफर कर दी जाएगी ऑल इंडिया कोटा की जितनी भी सीटें वैकेंट रहेंगी। तो ये ऑल इंडिया कोटा 15% की जितनी भी सीट वैकेंट है स्टेट के पास चली जाएंगी, तो स्टेट उन पर फिर अपना राउंड कनेक्ट करवाएगा, यानी कि सेकेंड राउंड होगा फिर स्टेट का।
स्टेट का जैसे ही सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाता है, आपको सेकंड राउंड में अच्छी सीट मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिल गई तो फिर आप एमसीसी का मॉपअप राउंड भी देख सकते हैं। लेकिन एमसीसी का मॉपअप राउंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डिम्ड यूनिवर्सिटी ईएसआईसी के लिए होता है, ये इन्हीं के लिए होता है। ऑल इंडिया कोटा की सीटें तो ऑलरेडी स्टेट में चली ही जाती हैं। तो फिर आप मॉपअप राउंड के लिए, एमसीसी के मॉपअप राउंड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन की जो कंडीशन है, जो फर्स्ट राउंड में है, सेकंड राउंड में थी, वही मॉपअप राउंड में होंगी। यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करनी होगी और उसके बाद में आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने सेकंड राउंड में सीट अलॉट होने के बाद में ज्वाइन नहीं किया था, उनकी जो सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गई थी, उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन की तो आवश्यकता नहीं, लेकिन सिक्योरिटी मनी आपको फिर वहां डिपॉजिट दोबारा से करनी होगी, क्योंकि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो तो जब्त हो चुकी है, तो दोबारा से आपको सिक्योरिटी मनी वहां डिपॉजिट करनी होगी मॉपअप राउंड के लिए। यहाँ के मॉपअप राउंड में जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती है, एम्स आएगा आपका, इसके बाद में जिपमर आएगा, इसके बाद में बीएचयू, एएमयू, इस प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएंगी और इसमें ईएसआईसी और डिम्ड यूनिवर्सिटी के लिए मॉपअप होगा। यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं, अगर एम्स लेना चाहते हैं, आपके अच्छे मार्क्स हैं, अच्छा एम्स लेना चाहते हैं तो मॉपअप में ट्राई कर सकते हैं आप। तो जैसे ये मॉपअप कम्प्लीट हो जाएगा, ऑल इंडिया का मॉपअप कंप्लीट हो जाएगा, इसके साथ साथ ही स्टेट का मॉपअप भी चलता रहेगा। यानी कि स्टेट का मॉपअप भी इसके जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके साथ साथ ही स्टेट का मॉपअप भी चलता रहेगा, तो आप स्टेट के मॉपअप में भी सीटें ले सकते हैं इसमें। तो ये हो गई एमसीसी की और स्टेट की। अब जो एमसीसी का जो मॉपअप राउंड खत्म हो जाता है, मॉपअप राउंड खत्म हो जाएगा, उसके बाद में बीडीएस का इसमें फिर सेकेंड मॉपअप चलता है, ओनली बीडीएस के लिए ही होता है वो, जैसे डिम्ड वगैरह में या फिर किसी भी गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं बीडीएस के लिए सीट वैकेंट हो जाती हैं तो मॉपअप टू कंडक्ट करवाया जाता है इसमें। इसके बाद में जितने भी सीटें ये मॉपअप राउंड में वैकेंट रह जाती हैं एमसीसी के, तो वो सीटें इंस्टीट्यूट को डिम्ड कंडीशन में डिम्ड को दे दी जाएंगी, और एम्स अगर सीटें वैकेंट हैं तो एम्स दिल्ली को दे दी जाती हैं, यानी कि एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाएगा उनको, अलग अलग एम्स के लिए उनकी काउंसलिंग एम्स दिल्ली करवाएगा, और ईएसआईसी के लिए कंसर्न्ड ईएसआईसी हेडक्वार्टर या फिर जो आईपी है डेंटल के लिए आईपी में चली जाती हैं, जो रोहिणी में है डेंटल का उसके लिए आईपी में चली जाती है। तो इस प्रकार से इनकी अलग अलग काउंसलिंग अथॉरिटी है। स्ट्रे के लिए कौन कौन सी काउंसलिंग अथॉरिटी है इनको भी मैंने बुक में अच्छी तरह से समझाया है कि कौन कौन सी है, पिछली बार किस किस ने कंडक्ट करवाई थी स्ट्रे के लिए, कितनी उनकी सीटें वैकेंट रही थी और कितनी कट ऑफ गई थी, ये पूरी तरह से उसमें समझाया गया है। तो इसमें आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट में जाके आप पार्टिसिपेट करना कर सकते हैं। वैकेंट सीट एमसीसी द्वारा दिखा दी जाएंगी और एक जो 10 लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाएगी, तो इसमें आप इस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस था एमसीसी और स्टेट का। बाकी आपको समय के अनुसार आपको बता दिया जाएगा कि अभी आपको कहां पर काउंसलिंग हो रही है, कहां पर सीट लेनी है, क्या है, ये सारा जैसे जैसे काउंसलिंग चलती जाएगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, मैं आपसे लेता हूं विदा, जय हिंद।